आज मैं आपके लिए एक डाई लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ डालूंगी और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ है जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप सिर्फ एक चम्मच इसका पाउडर डालिए और बालों को बहुत ही सुंदर बना, ये आपके डाई में अगर डाल दो तो बहुत ही सुंदर कलर देगा आपके बालों को, और खास करके सर्दियों के लिए। और बहुत ही अच्छी ये आपकी डाई है। और सर्दियों में क्या, आप तो इसे किसी भी सीजन में लगा सकते हो, पर सर्दियाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ जैसे आजकल सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो उससे क्या होता है कि आप वही चीज़ डालिए जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर देती है, बहुत ज़्यादा आपके बालों का कलर पक्का करती है। तो ये जो चीजें हैं ये बालों को बहुत ही अच्छा कलर तो देती हैं, साथ में आपके बालों को जो आपकी जैसे डाई का कलर, जो हीना का कलर होता है, उसको और ज्यादा गहरा करती है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका मैंने पाउडर लिया है और ये पाउडर मेरा, देखिए मैंने इसका पाउडर बनाया है क्योंकि मैं अगर इस वाली हर्ब्स को ऐसे ही इसमें डाल देती तो उससे क्या होता कि इसको बॉइल करती तो ये क्या पिस नहीं पाता है मिक्सी में और ये थोड़ा दर दरा रह जाता है। और इसका जो पानी, अगर मैं इसको बॉइल करती हूँ और इसको मैं पूरा अच्छे से इसका काढ़ा टाइप का बना देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ, तो इसमें क्या होता है कि ये सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसका क्या किया, पाउडर बनाया है। तो पाउडर बनाने से क्या होता है कि वो पूरी चीज़ें आपकी आपकी हिना में भी मिक्स हो जाएंगी और उसको वो बालों में, मैंने छाना है इसको, तो बालों में फंसेंगी भी नहीं और वो पूरी आपकी जो हर्ब्स है वो पूरी आपके हिना में मिक्स हो जाएगी, तो बालों को अच्छा कलर देगी और ये वेस्ट भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है जैसे बॉयल करने के बाद आप उसको ये वेस्ट हो जाती है, वैसे नहीं होगी। और ये बहुत ही अच्छी डाई है और इसका एक चम्मच आप पाउडर डालिए और बालों को बहुत ही ये बहुत ही सुंदर बना देता है। तो मैंने क्या किया है, ये इसका नाम है छबीला और मैं आपको दिखा देती हूँ। एक चम्मच मैंने पाउडर डाला है, देखिए, और थोड़ा सा डालती हूँ मैं उसमें पानी। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें, तो इसका एक चम्मच आप पाउडर डालते हैं तो ये बहुत ही बालों को अच्छा कलर देता है और बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको अगर आप अपनी हीना हेयर डाई में यूज़ करते हैं तो ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए। और अगर आप इसमें, अगर चाहे तो आप आंवला भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि आंवला भी, आप जैसे लोहे का बर्तन है, अगर आप इसमें आंवला डालते हो, आपको पता है आंवले से बाल भी काले होते हैं, तो आप चाहे तो इसमें आंवला पाउडर डाल सकते हो। और लेकिन मुझे इसे अभी लगाना है और ये देखना थोड़ी देर में ही मेरा पूरा ये जो हीना है ये थोड़ी देर में ही एकदम डार्क हो जाएगी। और मैं, दूसरे बात क्या है कि मुझे इसे झटपट लगाना है अभी बालों में, और क्योंकि मैं, जैसे मैंने अभी हीना लगाई है थोड़े टाइम पहले ही, लेकिन क्या होता है कि पसीना आता है थोड़ा, तो पूरे फोरहेड से निकल जाती है क्योंकि बार बार एक तो पसीना पूरा दिन बालों में रहता है काम करने से, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उससे भी ना दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि हल्के हल्के से जैसे फोरहेड पे रह जाते हैं बाल, थोड़े से निकल जाते हैं पसीने, और फिर फेस वॉश करते हैं तो साबुन लगती है, सब लगता है, तो उससे और जल्दी निकलते रहते हैं वो। तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा जैसे कि 2-4 दिन में या हफ्ते में एक बार उसको थोड़ा थोड़ा सा फोरहेड पर लगा लेती हूँ और थोड़ा उतने ही हेयर वॉश कर लेती हूँ, पूरे मैं नहीं लगाती हूँ पूरे बालों में इसको। तो इसको क्या है, इसीलिए मैं इसको झटपट एक चम्मच ये डाल रही हूँ और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खास करके ये जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं और जो लोग चाहते हैं जिनके हिना से बाल थोड़े रेड हो जाते हैं, तो उन लोगों को क्या है, एक चम्मच इसका पाउडर डालिए और एक चम्मच आंवले का पाउडर आप डाल सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आंवला भी पीस के रखा हुआ है, मैं आपके सामने एक चम्मच आंवले का पाउडर ऐसे ही डाल देती हूँ। ये डाल दिया मैंने आंवले का पाउडर, तो लेकिन आंवले से क्या होता है ना, आपको थोड़ी देर रखना पड़ता है, लेकिन मैं इसको क्या है, इसको बस ज़्यादा एक, मतलब आधा घंटा या जब तक मैं थोड़ा सा अपना काम वाम निपटाऊंगी तब तक मेरा ये हो जाएगा 1 घंटे के लिए। तो आंवला भी आप इसमें डाल सकते हो ऐसे ही, आंवले का पाउडर, और मैंने सब चीज़ें ऐसी छान करके रखती हूँ जिससे कि बालों में ना फंसे। तो ये देखिए अब ये थोड़ी देर में काला हो जाएगा, तो मैं काम अपना थोड़ा किचन का काम निपटाऊंगी, इतना मेरा ही क्या होगा, पूरा बालों में अच्छे से कलर छोड़ देगा। और इसको क्या झटपट लगा लेती हूँ मैं, और झटपट लगा के उसमें क्या होता है कि जिन लोगों को बहुत जल्दी बाल वाइट होते रहते हैं, तो अगर वो लोग अपनी हिना में ऐसी चीज़ें डालते हैं तो डेफिनेटली उनके बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बहुत ही एकदम बढ़िया बाल हो जाएंगे उनके। तो सर्दियों के मौसम में खास करके, और जब, या फिर गर्मियाँ जब आपके को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो अब भी आपके बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि बाल, आप कैप पहनते हो या
आप जैसे कि बाल जो हीना आपकी जल्दी निकल जाती है, तो सर्दियों में क्या होता है, आप सोचते हो कि बाल हमारी जो हीना है वो लंबे टाइम तक बालों में टिकी रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी हीना लगाने में आलस भी आता है और ठंडा भी बहुत लगता है। और गर्मियों में तो क्या है, थोड़ा सा ये लगता है कि झटपट लगाओ, हेयर वॉश कर लो, क्योंकि ठंडा भी नहीं लगता है। और फिर एक डायरेक्ट क्या होता है, पानी में जैसे नल के नीचे आप अपने बाल करते हो, धोते हो, तो उसमें क्या होता है, ईजी हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है, ठंडा पानी आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप बाल्टी से, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से धोते हो तो उसमें थोड़ा अनईजी टाइप का हो जाता है। और खुले पानी में आप हेयर वॉश करते हो, खास करके हीना के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपको इजी हो जाता है हेयर वॉश करना। तो इसीलिए जब सर्दियों में जब आप लगाते हो तो आप ऐसी चीज़ सोचते हो कि हमें ज़्यादा भी ना लगाना पड़े और हमारी डाई भी इतनी अच्छी हो जाए कि बालों को लंबे टाइम तक टिकी रहे, तो और हम लोगों को जल्दी जल्दी नहीं लगाना पड़ेगा। तो और सर्दियों में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे अभी आप धूप में बैठते हो उस टाइम लगा सकते हो उसको, फटाफट आप इसको लगा करके, जैसे क्योंकि धूप में बैठ रहे हो तो आपके बाल भी सूख जाते हैं जल्दी से। तो घर में तो क्या होता है कि जैसे गर्मियों में पसीने में भी बाल जल्दी सूखते नहीं है, तो इसीलिए ये सूख जाते हैं, तो ये और अच्छे से आपके बालों को कलर करती है। और गीले बालों में क्या होता है, वो फिर इतनी ज़्यादा अच्छे से असर नहीं करती है, तो धूप में अगर थोड़ी देर बैठ जाते हो तो एटलीस्ट बाल तो सूख ही जाते हैं, आपकी हीना थोड़ी जो होती है। और बहुत ही बढ़िया ये जो हर्ब्स है, इतनी अच्छी आपके बालों को कलर देती है, पक्का कलर देती है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी डाई को तैयार करते हैं तो आपकी बहुत ही आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बालों को बहुत पक्का कलर देगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।